दादरा नगर हवेली के सिलवासा शहर को भारत सरकार द्वारा 100 स्मार्ट शहरों में शामिल किया गया था, जिसके बाद दादरा नगर हवेली में सिलवासा स्मार्ट सिटी विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग की स्थापना के साथ ही सिलवासा शहर को स्मार्ट बनाने के प्रकल्पों के ऊपर तेजी से काम शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत सिलवासा शहर के यातायात सुविधा को इलेक्ट्रॉनिक बसों में तब्दील करने की योजना शुरू की गई थी, जो अब पूरी तरह से धरातल पर उतर चुकी है। अब सिलवासा स्मार्ट सिटी के पास 15 से अधिक नई इलेक्ट्रॉनिक बस प्राप्त हो गई है और वह दादरा नगर हवेली वासियों के लिए समर्पित हो चुकी है। सिलवासा स्मार्ट सिटी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने के बाद इन बसों को रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज स्टेशन बनाने की शुरुआत APJ अब्दुल कलाम कॉलेज के पास रिंग रोड पर शुरू कर दिया गया था और पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ इस रिचार्ज स्टेशन को शुरू कर दिया गया है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बसें रिचार्ज की जा रही है। सिलवासा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कारों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज स्टेशन इस सिलवासा स्मार्ट सिटी द्वारा शुरू किया जाएगा, जिससे कि सिलवासा शहर को पूरी तरह से स्मार्ट शहर के स्वरूप में लाया जा सके और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्बन कटौती में सिलवासा शहर का योगदान दर्ज हो सके। सिलवासा स्मार्ट सिटी ने ये पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है, जहाँ पे फिलहाल हमारी 10 बसें चार्ज होगी। ये बसें प्योर इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जिससे शहर में कार्बन का एमिशन काफ़ी कम हो जाएगा और ये बसें ऐसी बसें हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्योर इलेक्ट्रिक बसेस यूज़ कर रही है, जो कि सिर्फ सिलवासा में ही नहीं पूरे भारत में ये एक ऐसा डेपो है जो प्योर इलेक्ट्रिक है और पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोड की ही बसें यूज़ कर रहा है। और ये बसें फ़िलहाल हम इंटरसिटी भी चला रहे हैं और जो कि सिलवासा से खानवेल मांदोनी दुधनी जाएगी और आउटर सिटी में भी सिलवासा से वापी होके दमन तक भी जाएगी, जिसका लाभ हर एक नागरिक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है। चेतन दमनिया दमन की छू सेवा दमन हमारा आवाजावन था हाँ बस पहले नहीं हती अत्यारे विक्की जो सरकार पर अत्यारे सुविधा सारी छू बस में सुविधा बस में एसी छे बेसवाने जगह अत्यारे मड़ी आई छे अने सिलवासा दमन पहले जे रिक्शा में टैक्सी में आवाजावन बहुत मुश्किल पड़तू हतुं। भगवती सेवा समिति परिवार आप सौनु हार्दिक स्वागत करे छे। श्री राज राजेश्वरी भगवती मेलड़ी माताजी मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव मशाल चौक पर तारीख 6/8/2021 ना दिने माताजी नी भव्य नगर यात्रा सवारे 9 कलाके बस स्टैंड पासे स्थित अंबा माताजी ना मंदिर थी प्रारंभ थशे, जे बाद मशाल चौक मंदिरे नगर यात्रा नो विराम लेवाशे। त्यारबाद कुटीर होम मंडप प्रवेश धर्मध्वजा पूजन महाप्रसाद जड़ निवास अने दान निवास ना कार्यक्रम थशे। तारीख 7/8/2021 ना रोजे सवारे 9 कलाके गणेश स्थापन अने नवचंडी महायज्ञ नु आयोजन थशे। तारीख 8/8/2021 ना रोजे सवारे 9 कलाके माताजी नी राजउपचार थी पूजा थशे। माताजी नी मूर्ति नी प्रतिष्ठा सवारे 11:35 थी बपोरे 12:35 ना वच्चे थशे, जे बाद बपोरे 12 वाग्ये महाप्रसाद नु आयोजन करवामां आवशे। माताजीनो सवामणनो ताव सवारे 9 वाग्येथी शुरू थशे। श्री राज राजेश्वरी श्री भगवती मेलड़ी माताजी मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सवनुं स्थळ मंछा कॉम्प्लेक्सनी पाछळ आवेल वेटर्निटी हॉस्पिटलनी सामे स्थित श्री राज राजेश्वरी भगवती मेलड़ी माताजीनी मडुली मशाल चौक नानी दमण। भगवती सेवा समिति परिवार अने मां भक्त भद्रेशभाई माताजीनी मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सवमां पधारवा आप सौनुं हार्दिक स्वागत करे छे।